सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज चैनल को और सबसे पहले न्यूज पाने के लिए घंटे को जरूर दबाएं, ये बिल्कुल फ्री है। जापानी दो पहिया वाहन निर्माता कंपनी सुजुकी ने भारतीय बाजार में आज अपनी दो नई स्पोर्ट्स बाइक सुजुकी जिक्सर एसएफ 250 और एसएफ 150 को लॉन्च कर दिया है, जिनकी कीमत लगभग 1,70,000 रुपये और 1,08,000 रुपये तय की गई है। सुजुकी की तरफ से 225 सीसी की क्षमता में यह दूरी बाइक होगी। इसके पहले कंपनी ने भारतीय बाजार में इनिजुआमा 250 को लॉन्च किया था, हालांकि ये बाइक उतनी सफल नहीं हो सकी थी। नई सुजुकी जिक्सर एसएफ 250 में कंपनी ने 250 सीसी की क्षमता का सिंगल सिलेंडर युक्त ऑल कूल्ड इंजन का प्रयोग किया है, जो कि 26 bhp की पावर और 22 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें कंपनी ने 6 स्पीड गियरबॉक्स को शामिल किया है। वहीं जिक्सर एसएफ में कंपनी ने 150 सीसी की क्षमता का इंजन प्रयोग किया है, जो कि बाइक को 14 bhp की पावर और 14 Nm का टॉर्क प्रदान करता है। सुजुकी की ये नई बाइक मुख्य रूप से भारतीय बाजार में यामा फेजर 250, होंडा सीबीआर 250R और बजाज पल्सर आरएस 200 को टक्कर देगी। हाल ही में कंपनी ने इस बाइक का एक टीजर भी रिलीज किया था, जिसमें बाइक के हाला सा फ्रंट लुक देखने को मिलता है। इस बाइक के फ्रंट में कंपनी ने टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन का प्रयोग किया है, वहीं इसके पिछले हिस्से में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेंगे। इसके अगले और पिछले दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, इस बाइक की ब्रेकिंग और बेहतर करने के लिए कंपनी ने इसमें डुअल चैनल ABS का भी प्रयोग किया गया है। यदि फीचर्स की बात करें तो कंपनी ने इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 17 इंच का मल्टी स्पोक अलॉय व्हील, स्प्लिट सीट, हैंडल बार पर क्लिप, डुअल बैरल एग्जॉस्ट, फुल LED हेडलैम्प्स का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये सुजुकी की दो नई बाइकें कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटे का बटन दबा दीजिए, जिससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। धन्यवाद।